लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अब तेज होने लगी है। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए और विपक्षी दलों के गठजोड़ INDIA इंडिया के बीच तरकश में तीर सजाए जाने लगे हैं। इसी महीने हो रहे संसद के विशेष सत्र के बाद दोनों गठबंधन खुलकर मैदान जंग में उतरने की कोशिश करेंगे। इसी महीने विपक्षी गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक भी होनी है। विपक्षी गठबंधन में शामिल हर दल सीट शेयरिंग फॉर्मूले के लिए अपनी अपनी योजनाएं बैठक में रखेंगे। बिहार में JDU और RJD ने अलग अलग बैठकें शुरू कर दी है। कांग्रेस और वाम दल भी तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि कांग्रेस के बारे में कोई भी निर्णय आला कमान लेगी, लेकिन बिहार इकाई भी सक्रिय हो गई है। वामपंथी दलों में बिहार में सर्वाधिक मजबूत CPI ML है। उसने तो कांग्रेस की तरह ही सीटों की दावेदारी भी पेश कर दी है। बिहार NDA में सीतों के बंटवारे को लेकर खींचतान का अधिक खतरा नहीं है, इसलिए कि बीजेपी के पास सीट बंटवारे के दो फॉर्मूले पहले से मौजूद हैं। बीजेपी की पहल साल 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह सीटों का बंटवारा होगा। तब बीजेपी के साथ JDU नहीं था। भाजपा द्वारा नरेंद्र मोदी को PM फेस घोषित करते ही नीतीश कुमार ने विरोध शुरू कर दिया था। आखिरकार उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बीजेपी के साथ तब उपेंद्र कुशवाहा, RLSP और लोजपा घटक पार्टियां थी। बीजेपी ने 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 22 पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, इसलिए 2014 की तरह बीजेपी अपने लिए 30 सीटें रखना चाहती है। NDA के घटक दलों में रामविलास पासवान की पार्टी LJP के दोनों दलों को बीजेपी पिछली बार जितनी ही यानी 6 सीटें इस बार भी देगी। उपेंद्र कुशवाहा के RLJD को पूर्व की भांति 3 सीटें मिलेंगी। जीतनराम मांझी की हम पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना है। VIP के मुकेश साहनी पर भी भाजपा की नजर है। उनके लिए भी मांझी की तरह 1 सीट बीजेपी अपने कोटे से दे सकती है। हालांकि उन्हें विधानसभा चुनाव में लोकसभा की भरपाई के वादे पर भाजपा मुकेश साहनी को मनाने की कोशिश करेगी। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी के रणनीतिकारों को अब ये भरोसा हो गया है कि चुनाव आते आते विपक्षी गठबंधन का खात्मा हो जाएगा। सीट शेयरिंग और नेतृत्व के सवाल पर विपक्ष गठबंधन का हश्र 2019 के विपक्ष एकता की तरह होने की प्रबल संभावना बीजेपी देखती है। बिहार की राजनीति को समझने वाले सीनियर पत्रकार रवि प्रकाश का मानना है कि विपक्षी एकता प्रयासों की कवायद के बीच जिस तरह की खटपट की आहट भी संग संग सुनाई दे रही है, वह विपक्ष की सेहत के लिए ठीक नहीं है। विपक्षी गठबंधन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही TMC नेता और बंगाल की CM ममता बनर्जी के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। आम आदमी पार्टी ने इसी साल होने जा रहे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी करनी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस की प्रदेश इकाइयां भी सहमत नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्ष गठबंधन के बिखराव के खतरे तो प्रबल हैं ही। साल 2019 में भी इस आखिर में विपक्षी गठबंधन टाए बोल गया था। बीजेपी को ऐसे मौके का बेसब्री से इंतजार होता है। भाजपा को उम्मीद है कि अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार फिर से साथ आ सकते हैं, तब उन्हें भी सीटें देनी पड़ेगी। यही वजह है कि नीतीश के कोटे की सीटें बीजेपी बचा कर रखना चाहती है। अगर सीट बंटवारे के सवाल पर विपक्षी गठबंधन बिखरता है तो नीतीश के साथ आने की संभावना बढ़ती है और 30 सीटों में ही बीजेपी नीतीश कुमार को भी एडजस्ट कर लेगी। इंडिया बनने के पहले से ही बिहार में 6 दलों के महागठबंधन की सरकार चल रही है। RJD, JDU, कांग्रेस और लेफ्ट की 3 पार्टियां CPM, CPI और CPI ML महागठबंधन में शामिल है। कांग्रेस ने पहले ही 9 सीटों पर दावा ठोका है। CPI ML ने 4 सीटों पर दावेदारी की है। नीतीश कुमार की पार्टी JDU के अभी 16 सांसद हैं, इसलिए वे इससे कम नहीं चाहेंगे। RJD का भले ही लोकसभा में प्रतिनिधित्व 0 है, लेकिन विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण उसकी भी नीतीश से कम की दावेदारी नहीं बनती। अगर नीतीश अपनी सीटिंग सीटें जितनी संख्या यानी 16 मांगते हैं तो RJD भी इससे कम में तैयार नहीं होगी। ऐसे में 8 सीटें ही बचेंगी जिसमें वाम दलों और कांग्रेस को संतुष्ट करना है। विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर पेंच यहीं फंसेगा। देखना है कि बिहार में विपक्षी गठबंधन को लीड करने वाली दो पार्टियां RJD और JDU कितना त्याग करती हैं।